नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, या हो देश के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति की आवाज। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं वो खबर जिसका सीधा सरोकार होता है आपसे। खबरों में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ के, जहाँ पर JNU में छात्र छात्राओं और शिक्षकों पर हुए हिंसक हमले के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को कमिश्नरी पर प्रदर्शन किया। वहीं आपको बता दें कि मुंह पर काले पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया, राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन DM साहब को दिया। वहीं आपको बता दें ज्ञापन में कहा कि भारत की राजधानी में भारत सरकार के अधीन पुलिस उन हमलावरों को रोक पाने में असमर्थ नहीं दिखी जो JNU कैंप्स के अंदर छात्रवासियों में घुसकर छात्र छात्राओं पर सीरियल डंडों से हिंसक हमले कर रहे थे। हमलों का शिकार विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी हुए। मेरा नाम सम्राट मलिक है, मैं डीन डिग्री कॉलेज से छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ। देखिए, JNU की घटना मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की छात्र राजनीति पर कलंक है। जिस प्रकार कुछ बाहरी तत्व आकर JNU कैंपस के अंदर घुसकर छात्र संघ अध्यक्ष आयशा घोष समेत काफी संख्या में प्रोफेसर और छात्रों का सर फाड़ देते हैं, उन्हें अधमरा कर देते हैं, वो पूरे देश को संसार करने वाली घटना है। ये मुंह पर पट्टी बांधकर फांसी का फंदा लगाकर मैं हम लोग ये मैसेज देना चाहते थे भारत सरकार को कि हम लोग बेशक पिटें, बेशक आप हमें भारी तत्व भिजवाकर हमारे ऊपर लाठी डंडे चलवाएं, हमारे साथियों को गिरफ्तार कराएं, लेकिन ये आवाज आप दबा नहीं सकते। हम फांसी पर झूल सकते हैं, हम मर सकते हैं, लेकिन अगर बात संविधान की रक्षा की है, देश की रक्षा की है, गलत चीजों के खिलाफ खड़े होने की है, तो हम लोग मरते दम तक इसका पुरजोर विरोध करेंगे। हमारी मांग ये है कि 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, एक भी आरोपी अभी तक नहीं पकड़ा गया है। ऐसी कठोर कार्रवाई उन आरोपियों को मिले कि JNU जैसी घटना किसी और विश्वविद्यालय में ना हो। हमने आज राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन मेरठ कमिश्नर की अनुपस्थिति में SDM मेरठ को दिया। गोपाल अग्रवाल, देखिए हमारे साथी छात्र हैं, यहाँ के छात्र नेता समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं और समूचे विश्व में जो कुछ दिल्ली में हुआ है, जो घटा है, बाकी निंदनीय और शर्मनाक है। केंद्र सरकार की पुलिस, केंद्र सरकार की राजधानी दिल्ली में रात के अंधेरे में और नकाबपोश गुंडों को भेजकर अंदर छात्रावासों में जहाँ छात्राएं बीती, छात्र बीते और यहाँ तक कि वहाँ शिक्षकों को भी सरियों से रोड से सिर फोड़े। आश्चर्यजनक बात यह है कि बाहर गेट बंद करके पुलिस बाहर गेट पर तैनात कर दी गई है, किसी को अंदर जाने का मौका नहीं दिया गया। पुलिस का काम क्या है? यह कहा गया कि दो गुटों का संघर्ष है और दो गुटों के संघर्ष में क्या भारत की पुलिस उन दोनों गुटों को आपस में लड़ाई करके अपने निपटारा कर देने की छूट देती है? हमने माननीय राष्ट्रपति जी को यही ज्ञापन दिया है कि दिल्ली में जो कुछ हुआ है वो शर्मनाक है, संविधान के खिलाफ है। संविधान कहता है हर एक की रक्षा करने के लिए कहता है, वहाँ गुंडे उन निहत्ते छात्राओं छात्रों के ऊपर डंडे चलाकर सिर फोड़ लेते, हड्डियाँ तोड़ लेते। और कहाँ काली पट्टी प्रतीक है कि भारत सरकार में इस समय इतनी तानाशाही पे वो लिपट चुकी है कि यहाँ पूरे हिंदुस्तान के नौजवान मुंह पर पट्टी बांधकर गले में फंदा डालकर कह रहे हैं कि हम लोग तैयार हैं। कितना जुल्म करना है आपको, कितनी तानाशाही चलाओगे? ये नौजवान देखेंगे कि आपके अंदर गोलियां कितनी है और ये फांसी के लिए तैयार है। ये चुप रहेंगे, बोलेंगे नहीं, मुक्त अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। सारा भारत जग रहा है और ये छात्र शक्ति, इसका आंदोलन विफल नहीं जाएगा। ये तानाशाही मोदी सरकार की, इसे मिटा के रहें। दिल्ली के छात्रों के लिए हमारी मांग है कि किसी भी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की जज से जांच कराई जाए और जो दोषी अभी तक खुले हुए हैं, ताज्जुब की बात है कि जो नकाबपोश गुंडे अंदर जाके मारपीट कर रहे थे, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और दंड दिया जाए। मैं तो एक साधारण नागरिक हूँ, हिंदुस्तान का साधारण नागरिक आज सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ है।